चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो सेशन है उसका जो पहला डिबेटर होगा वो पक्ष में आएगा, तो कौन आना चाहेगा? एआई वरदान है, इसके पक्ष में कौन आना चाहेगा? एआई वरदान है, इसके पक्ष में कौन आना चाहेगा? कोई नहीं, सबको लगता है कि अभिशाप है क्या? तो आइए, तो ये फर्स्ट डिबेटर हैं अंजलि यादव, और नहीं ये बताना चाहती हैं, इनका मत है कि एआई जो है वो आज के जेनरेशन और आने वाले दिनों के लिए वरदान है। तो आप स्टार्ट करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कुछ लोग बोलते हैं ये नेगेटिव चीज़ है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो एंशियंट टाइम से ही, जब से बोला जाता है ह्यूमन स्टोन एज के टाइम से, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है उसका पेस उतना ही फास्ट होता जा रहा है। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है उतने ही कम टाइम में हम और ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो एआई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है और ये फर्दर ये प्रोसेस है। एक जैसे हम स्टोन एज से यहाँ तक आए हैं, ऐसे ये फर्दर ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे लेके जाएगा। डिपेंड करता है कि हम एआई को कैसे यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जांपल आज के टाइम में एआई हेल्थ सेक्टर में हमें कितना बेनिफिट देता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हेल्प करेगा। एआई ह्यूमन टास्क को ईजी बना रहा है, एआई ह्यूमन एफर्ट जो लेबर फोर्स में लगते थे उन्हें वो सब लगते थे उन्हें कम कर रहा है। स्पेशली अगर हम मिलिट्री में देखें या हेल्थ सेक्टर में देखें, ये बहुत बेनिफिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल वॉर के टाइम पे पहले ह्यूमन डेथ ज़्यादा होती थी, जितना ज़्यादा एआई ग्रोथ कर रहा है, मशीन्स के पास खुद लड़ने की ताकत आ रही है, उनके पास वो रीजनिंग पावर आ रही है जो ह्यूमंस के पास होती थी, तो इसमें हमारी जो ह्यूमन लॉस होता था पहले वॉर्स में, एआई की वजह से वो लॉस कम हो जाएगा। जैसे जैसे एआई और डेवलप करेगा तो वो लॉस में भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हेल्थ सेक्टर में यू नो ये बेनिफिट दे ही रहा है। तो एआई एक नेगेटिव आस्पेक्ट नहीं है, द वे वी यूज़ इट वो नेगेटिव हो सकता है, बट एआई ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम सब यहाँ डिबेट कर रहे हैं एआई इज बून और बैन, सो आई सजेस्ट, तो मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि एआई जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा होती जा रही है, और वैसे भी हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी कुरीति हम कह सकते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा देश प्रति साल मतलब कि एवरी ईयर 2.2% इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, और 2.2% मीन 17 मिलियन पॉपुलेशन एवरी ईयर इंक्रीज होती जा रही है, और ऐसे में अगर हम एआई का सपोर्ट लेंगे तो ये और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो हम रिसोर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, उसका भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज आज के टाइम में हम रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हम सेव कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा, अगर सिर्फ मशीन्स हमारे आसपास रहेंगे तो हम उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और एक्सप्लॉयटेशन इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है उसके, अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो एआई जैसे कि कुछ फैक्टर्स में एआई ठीक भी है, जैसे कि मिलिट्री में होगा, मिलिट्री में पहले हमारे जो सोल्जर्स वगैरह थे उनकी डेथ होती थी, और अब अगर एआई आ जाता है तो हम वो जो हमारी ह्यूमन डेथ है उनसे बच सकते हैं इन फील्ड ऑफ डिफेंस और हेल्थ सेक्टर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून सर, आप सभी कैसे हैं? बढ़िया। आज का हमारा टॉपिक है एआई प्रोज एंड कॉन्स, तो मैं उसके पक्ष में हूँ, एआई के पक्ष में। तो एआई के पक्ष में जाने से पहले मैं बात कर लेता हूँ एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर का वह सिस्टम है जो मानव के काम को आसान करता है, यह सिर्फ मानव के पास रहता है। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत जो हुई थी वो 1950 में हुई थी, ठीक है। अब इसके हम बात कर लेते हैं, जैसे एआई में जैसे मान लीजिए अमेजन का जो है क्या एलेक्सा, अमेजन का एलेक्सा हो गया, एप्पल का सीरी हो गया, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
जो आप जैसे मानवीय संवाद पर आधारित होते हैं, आप कुछ बोलते हैं वो सुनते हैं, तो उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। जो हमारे जैसे मैपिंग में काम करते हैं, गूगल मैप में काम करते हैं, कोई कार्य में कार्य करते हैं, आजकल के जो हो गए हैं, जैसे आप घर पर बैठे बैठे ही आप एक जगह बैठे बैठे ही कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक ही आवाज़ में आपको जैसे पर्दा बंद करना हुआ, लाइट बंद करना हुआ या ऑन करना हुआ, इस सब में उपयोग करते हैं। अगर हम इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें, जैसे इसके प्रोज में बात करें, तो AI का सबसे बड़ा काम होगा जैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डाटा है उसको इकट्ठा कर लेता है। मनुष्य को इतना आसान नहीं होगा कि वो बड़े बड़े डाटाओं को कलेक्ट करना, फिर उनका विश्लेषण करना। तो AI के माध्यम से क्या होगा कि बड़े बड़े जो डाटा हो रहे हैं उनको कलेक्ट करके उनको संश्लेषण कर रहा है। और दूसरा क्या कार्य क्या हुआ, चिकित्सा में हुआ, अनुवांशिकी में हुआ, जैव प्रौद्योगिकी में हुआ, अंतरिक्ष सहित कई वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका उपयोग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नीदरलैंड का व्यक्ति था जिसको रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से उसको लकवे की शिकायत हो गई। तो AI के माध्यम से AI मस्तिष्क प्रत्यारोपण माइक्रोचिप होता है, माइक्रोचिप मस्तिष्क प्रत्यारोपण की सहायता से उसको ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे उसको चलने में सहायता प्रदान हुई। तो ये इसके प्रावधान से इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक बोलते हैं कि इससे सब लाभ ही है इससे। और दूसरा हुआ जैसे आपको चिकित्सा में अल्जाइमर रोग, आप सभी जानते होंगे अल्जाइमर रोग के जोखिम को पहचानता है और उसके प्रभावी उपचार के लिए संकेत देता है। तीसरा है कि असीमित संख्या में जो रोगियों के MRI है, तो एक मनुष्य क्या एक बार में एक ही कर सकता है, AI के माध्यम से क्या होगा कि MRI ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी संख्या में वृद्धि हो सकता है, MRI का अध्ययन हो सकता है। और अगर तीसरा बात करें कि मानव त्रुटियों कम करता है, जैसे मानव क्या करता है जब लोड ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा, कम का टाइम को 24 आवर सबके पास ही है, जिसमें तो कुछ ही वर्क का कुछ ही घंटे काम करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर नहीं पाएगा। जब वो कार्य करेगा तो उसमें त्रुटियां उत्पन्न होंगी ही, तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए AI का उपयोग करना ज़रूरी हो जाता है। और तीसरा एक दूसरा इसमें एक है जैसे सटीक और शुद्धता को बढ़ावा देना, जब AI का प्रयोग करेंगे हम तो क्या होगा, जो उसमें त्रुटियाँ होंगी उसमें सुधार होगा, उसमें शुद्धता आएगी, इसमें उपयोग किया जाता है। और दूसरा है कि जैसे मनुष्यों के लिए जो खतरनाक और मुश्किल कार्य हैं, जो जहां मनुष्य कार्य नहीं कर सकते वहां AI का प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे किसी मनुष्य को मान लीजिए बम निष्कासित करना हुआ, वहां तो उसमें मनुष्य के जान में जोखिम है, तो वहां AI का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा समुद्री अनुसंधान में गहरे समुद्र में जाके अनुसंधान करना, तो AI के माध्यम से गहरे समुद्र में जा कर के क्या वहां अनुसंधान कर सकते हैं, ये सब हमारे AI के लाभ होते हैं। थैंक यू सर, पॉइंट ज़्यादा लिए, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंटेस्टेंट है अरविंद ना, ये आप विपक्ष में मतलब अभिशाप ठीक है, ये बता रहे हैं कि AI अभिशाप है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, जैसा कि अभी आशुतोष ने बताया कि AI क्या होता है, इसकी शुरुआत कब की गई, और मेरा पक्ष है कि AI को मतलब नेगेटिव क्यों है। AI मानवता की भलाई के लिए ही बनाया गया है, लेकिन AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मानवता की भलाई के लिए अच्छा है, लेकिन अगर AI का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक तरह से मानव को विनाश कर सकता है। जैसे कि अगर हम AI का इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने के लिए करने लगे, या फिर अगर हम जो न्यूक्लियर बम है वो किसी आतंकी संगठन के हाथ में आ गया, तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा, इसकी वजह से मानव का विनाश बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, कुछ लोगों का मानना है, जैसे एलन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं और स्टीफन हॉकिंग्स हैं, इन्होंने कहा कि AI एक तरह से नेगेटिव है हमारे लिए, क्योंकि AI की वजह से 2017 में जो फेसबुक ने एक साइट बनाई थी, चैटबॉट आपस में अपनी लैंग्वेज में बात करने लगे थे, और वो जब आपस में अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। इसकी वजह से इन्होंने कहा कि AI नेगेटिव है। अगर AI के जो टूल्स हैं वो आप अगर जैसे हमने AI के इस्तेमाल से रोबोट बना दिया, अगर वो आपस में अपनी लैंग्वेज में बात करने लगेंगे तो मनुष्य नहीं समझ पाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं।
इस वजह से समाज के लिए खतरा है। तीसरी चीज़, आज से पहले जब हम और जब हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, सिर्फ हम कीपैड इस्तेमाल करते थे, तो हम अपने फैमिली से बात करने के लिए लेटर का इस्तेमाल करते थे, लेटर भेजते थे, उसमें हम अपनी इमोशंस लिखते थे, और वो लेटर्स एक महीने लग जाते, मतलब एक महीने दो महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में, कभी कभी छः महीने भी लग जाते थे। पर आज के टाइम पे क्या, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं, हम अपने घर से दूर एक एक साल, मतलब सालों साल बैठे रहते हैं, घर पे नहीं जाते, एक फ़ोन कॉल की मदद से हम बात कर लेते हैं, अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर देते हैं। इस वजह से जो फैमिली में जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच धीरे धीरे जो इमोशंस थे वो कम होते जा रहे हैं और उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो लिमिटेड करना चाहिए। अगर हम जो भी टेक्नोलॉजी बनाएं उसका एक लिमिट होना चाहिए, उसके यूज़ करने का लिमिट, उसको एक बनाने का लिमिट। अगर वो लिमिट हम डिसाइड नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। एंड तीसरी चीज़, चौथी चीज़ क्या कि अभी जो हमारे देश की पॉपुलेशन है नियर अबाउट 140 करोड़ है, 140 अरब, और पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट 8 बिलियन या बिलियन या मिलियन के आसपास है, जो 2050 तक 9.1 बिलियन हो जाएगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जो मतलब जैसे अगर हम केवल इंडिया की बात करें तो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी कृषि में इन्वॉल्व है। अगर हम अभी रिसेंटली जर्मनी में एक रोबोट बनाया गया जिस जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो एग्रीकल्चर करती है, एग्रीकल्चर में उसको एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर में तो जो भारत की 50% आबादी, उससे भी ज़्यादा लोग जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वो तुरंत अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, और इसकी वजह से जो भारत की इकोनॉमी है, जिसकी जिस देश की अर्थव्यवस्था बैकबोन कृषि कही जाती है, वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम इंटेलिजेंस, हम नहीं कहते जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिटेड यूज होना चाहिए। अगर वो लिमिट में नहीं रहेगा तो फिर ह्यूमन के लिए खतरा है या फिर किसी भी देश के लिए खतरा है। सुप्रभात आप सभी को, मेरी आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आज के बाद प्रतिवाद में आज का विषय है ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक। तो सबसे पहले हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझने का प्रयास करते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। जैसे कि आप सुन के ही आपको समझ में आता है कृत्रिम मतलब क्या है, कि जो स्वजनित नहीं है, है ना, जो किसी ना किसी मानव हस्तक्षेप से उस चीज़ का उसको बनाया गया है, तो वो होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसमें जो मेरा पक्ष, मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि जितना सभी बोल चुके हैं वो सतही चीज़ें हैं, पर एक चीज़ इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान बनाया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम ऐसे बहुत सारे काम आजकल कर रहे हैं जो फिजूल के हैं, इसने हमारा समय बचाया है, और ये जो समय हमें मिला है ना, अब उससे हम अपने बारे में सोच सकते हैं, कुछ वो कर सकते हैं जिसके बारे में हमारा कभी ध्यान नहीं गया, है ना। तो कोई चीज़ अच्छी या बुरी तभी होती है कि सामने वाला इंसान उसको किस नियत से उसका इस्तेमाल करता है। तो ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ये हमारे समय को ऐसे बचाएगा कि हम अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखते और हमारे अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं हम उनको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि हम बाहरी दुनिया में जो भौतिक सुख हैं हमारे, उनमें हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि
जो अपने अंदर की जो ओरिजिनलिटी है हम उसको नहीं पकड़ पाते, इसलिए इससे हमको अपने भीतर झांकने का समय मिलेगा। अभी ये दीपू आ रहे हैं, ये आप अभिशाप आपका ख्याल है ना, ये कहना चाहते हैं कि AI अभिशाप है, ये अभिशाप के पक्ष में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके हानि और लाभ के बारे में बात करना चाहते हैं। अभी जैसा कि मैं जो अभिशाप के पक्ष में हूँ, जैसा कि हमारा देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि इसमें हमारे भारत में जो जनसंख्या है बहुत हाई है, कम 140 करोड़ की जनसंख्या है। मेरा मानना है कि हमारे देश में ज़्यादा जनसंख्या है तो बेरोजगारी भी ज़्यादा है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमारी बेरोजगारी को भी बढ़ाता है, और मुझे लगता है कि ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि अमेरिका है, हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, उसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास ज़मीन का जो हिस्सा है वो बहुत कम है। जैसे कि किसी के पास 10 बीघा है, 5 बीघा। इसमें आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है वो काम तो करेगी, लेकिन उसमें खर्चा जो है ज़्यादा आएगा, और जो मजदूर लोग हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। जैसा कि अमेरिका में जनसंख्या कम भी है और उनके पास जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा है, हजारों एकड़ एक लोगों के पास कृषि है। उसमें जो ड्रोन चलते हैं, जैसे खाद वगैरह है ये लगाने के लिए, वो किसान मतलब मजदूरों के थ्रू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ठीक है, लाभदायक है, हमारे देश में उतना लाभदायक नहीं है। बहुत अच्छा, दीपू का ये फर्स्ट था अटेम्प्ट, और जो अपनी बात इन्होंने रखी अच्छा है, आप ऐसे ही तरक्की करें। नेक्स्ट आ जी, नेक्स्ट हैं अनुराग चंद्रा, ये अनुराग चंद्रा इस पक्ष में हैं कि AI वरदान है। अच्छा, इनका कहना है, सॉरी, ये कहना चाहते हैं कि AI अभिशाप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी जो है अभिशाप ही माना जाए, क्योंकि इसमें एक जो ह्यूमन से की ह्यूमन के बनी प्रति कनेक्टिविटी काफ़ी कम कर रहा है, क्योंकि उसमें हमें जो रोबोट्स वगैरह ही पढ़ाएंगे, जिससे ह्यूमन्स और ह्यूमन्स की कनेक्टिविटी काफ़ी कम होगी, और ये ह्यूमन्स के लिए क्रिएटिविटी को भी काफ़ी कम करेगा, क्योंकि सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, जिससे ह्यूमन्स काफ़ी अनस्किल्ड भी होते चलेंगे। ठीक है, और इसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो इसका उपयोग करेंगे, तो ड्रोन्स वगैरह जो खाद्य के लिए इसका उपयोग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काफ़ी बेस्ट होगा। अपने यहाँ इंडिया में ये इतना उपयोगी नहीं, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा में खेत नहीं है किसी एक व्यक्ति के पास, तो इससे काफ़ी बेरोजगारी भी उत्पन्न होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं AI के विपक्ष में बोलना चाहती हूँ। जैसे AI वर्क तो बहुत सारी फील्ड में कर सकता है, लेकिन वो किसी भी फील्ड में वर्क करेगा उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। सपोज़ अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो वो एक टाइम के बाद एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, लेकिन AI उसी वे में चलाएगा जिस वे में उसने फर्स्ट टाइम चलाया था। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन AI सेम एक्सपीरियंस से ही काम करेगा। साथ ही साथ AI का यूज़ करने से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। जैसे आज के ज़माने में चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पर बहुत असर पड़ रहा है। वो गेमिंग खेलते हैं तो सारा सब कुछ मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में होता है, लेकिन वो आउटडोर गेम्स को भूल चुके हैं, तो इसी के साथ उनका फिज़िकल हेल्थ पर भी असर हो रहा है। साथ ही AI वर्क तो कर सकता है, लेकिन टीम वर्क नहीं कर सकता। ह्यूमंस टीम वर्क भी कर सकते हैं, लीडरशिप भी कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट रिवांशी,
ये भी कहना चाहती हैं कि एआई आज के समाज के लिए वरदान से ज़्यादा अभिशाप है, है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ रिवांशी। सबसे पहले तो हम एआई को अभिशाप ही बोलेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में पॉवर्टी है। पॉवर्टी इसलिए क्योंकि जो पुअर पीपल है उनके पास रिसोर्स की कमी है, और एआई क्या करता है, जो पुअर पीपल होते हैं वो कैसे भी करके एआई को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और पुअर पीपल को सबसे ज़्यादा वो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो रिच पीपल होते हैं वो एआई की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, और इनके पास लैक ऑफ रिसोर्स होता है, इस वजह से ये कुछ नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा तो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन पे ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, अपने दिमाग का यूज़ करके कुछ भी करते थे, कुछ भी। अगर छोटे बच्चों को अगर अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो अपने दिमाग का प्रयोग करते थे, और अभी एआई आ गया है तो सब कुछ उसकी मदद से अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट करते हैं ये सब। फिर और हमें कुछ भी अपने स्किल्स के बारे में जानना हो तो एआई की मदद से जानते हैं, लेकिन हम खुद को अपना सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो पाता हमारे लिए। हम हमेशा से क्या करते हैं, उनका हेल्प ले लेते हैं और हमें कुछ नहीं पता चल पाता। जैसे हमारे अंदर कुछ बोलने का स्किल है, अभी भी हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमें एआई, अभी हमारा टॉपिक था तो हमने सब कोई अपना अपना फ़ोन यूज़ किया, बहुत कम लोग होंगे कि अपना दिमाग यूज़ करके हम उस चीज़ को लिखे और यहाँ पे आके प्रेजेंट किए। हमने भी ऐसा किया है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने किए हैं, लेकिन अपना सेल्फ अवेयरनेस हम सबसे कम जानते, अपने बारे में तो हम कुछ जान ही नहीं पाते हैं बस। उसमें सिक्योरिटी रिस्क बहुत होता है, क्योंकि सारा डेटा एक कंप्यूटर में फिट होता है एल्गोरिथम के द्वारा, उसको कोई भी आसानी से हैक कर सकता है, जिससे हमारी सारी प्राइवेसी लीक हो सकती है, और प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है हमको, क्योंकि जैसे हम एग्जांपल देते, जैसे इसरो ने अभी चंद्रयान लॉन्च किया था, उस टाइम एक स्टडी हुई थी कि अब इसरो के ऊपर कई बार ये इसरो के कंप्यूटर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैक करने की कोशिश की गई, कम से कम 2 लाख टाइम किसने कोशिश की, मतलब अदर कंट्रीज़ ने। तो अगर शायद वो हैक हो जाए तो सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स डाटा वो लीक हो सकता है, तो सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें एआई के अंदर। एंड देन इसका मेंटेनेंस ये हाई कॉस्ट होता है, इसको हर एक पीरियड के बाद इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, जो उसका कॉस्टली होता है बहुत। एंड रिलायबिलिटी मतलब इंटरनेट के ऊपर डिपेंड होता है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो इसका आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। विदाउट इंटरनेट एआई की फिर कोई वैल्यू नहीं है। और जैसे आजकल सभी एआई के ऊपर डिपेंड हो गए एक तरह से। एंड जैसे हम कहें तो स्टूडेंट, आज स्टूडेंट सभी ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे उनकी मतलब टीचर और स्टूडेंट के प्रति वो कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। अगर वो टीचर से सीखे तो उसके एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, वो टीचर से कनेक्ट करता है, उनसे क्वेश्चन करता है, एंड टीचर भी उसको समझते हैं, देखते हैं कि वो बच्चे में क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, उसके द्वारा उनको डेवलप करते हैं। एआई आजकल यूट्यूब से हम जो सीखते हैं वो सिर्फ बता रहे हैं बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो जो ले वो ले। तो एआई एक तरह से मतलब कंसर्न है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि हम छोटी छोटी कैलकुलेशन भी आजकल कैलकुलेटर से करते हैं, उसमें माइंड का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, पूरा एआई के ऊपर फुली डिपेंड हो गए हैं। छोटी छोटी बातों के लिए गूगल चैट जीपीटी से आंसर देते हैं, इसलिए ये बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ह्यूमन का माइंड डेवलप नहीं हो रहा है इससे। एआई मतलब इंसान के से ज़्यादा अधिक तेज़ी से काम करता है, इसके वजह से काम तो बहुत टाइम मतलब बचता है, लेकिन इंसान के में जो मेंटल एबिलिटी फिजिकल ये कम हो जाती है। इससे जैसे इन्होंने कहा कि जैसे हम घर बैठे बैठे पर्दा या कुछ भी बंद कर सकते हैं, इससे उसमें आलस और उनके दिमाग में कई सारी बीमारियां भी पैदा हो सकती है।
और हमारे अर्थव्यवस्था में जैसे एआई का यूज करके टाइम कम लगता है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और इसका और आज का जो जनरेशन है वो पूरी तरह से एआई पे मतलब कुछ भी ये एआई पे डिपेंड हो गया है। कुछ भी सर्च करना होता है तो मोबाइल का यूज करते हैं और इसमें समाज सोसाइटी में जो अपनेपन का भावना वो कम हो गई है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देश जो है प्रगति कर रहा है और इससे इसका नुकसान इसलिए है क्योंकि इसकी यूज़ से मनुष्य जो है काफ़ी सुस्त हो गया है जिससे कई प्रकार की बीमारियां उसमें उत्पन्न हो गई हैं। कर्ज हैं ये और ये एआई वरदान है या अभिशाप है? इसमें इनका मत है कि एआई अभिशाप है। गुड नून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ उत्कर्ष और मैं ये एआई के अभिशाप के पक्ष में हूँ। एआई जो है भले बहुत फास्ट बढ़ता जा रहा है लेकिन इससे मनुष्य को हेल्थ को बहुत हार्मफुल है क्योंकि अगर कोई भी काम हम एआई के थ्रू कर लेंगे तो मनुष्य कोई वर्क नहीं करेगा, बैठा रहेगा एक जगह, तो ना तो उसकी बॉडी को कुछ हेल्थीनेस हो पाएगी ना कुछ आलस्य आलस रहेगा उसमें, और सोचने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी और देश की बेरोजगारी आगे से आगे बढ़ती जा रही है। वैसे भी बेरोजगारी इस देश में बहुत ज़्यादा है तो अगर और एआई आ जाएगा तो ये लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन पाएगा जिससे लोग सड़क पे आ जाएंगे तो फिर वह गलत काम करने लग जाएंगे, कोई और रास्ता ढूंढेंगे, चोरी ऐसे ये सब वर्क होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड माई टीचर, माई नेम इज़ मंटू कुमार और टुडे माई टॉपिक इज़ एआई निगेट अभिशाप है या वरदान। तो मैं अभिशाप की तरफ हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एआई क्या है। एआई एक प्रकार का जो यही वो तकनीक हो जो मानव कार्य को बहुत आसानी से करता है। इसकी शुरुआत 1950 से हुई थी और एआई का अगर हम मेडिकल सेक्टर में यूज करते हैं तो ये एक समान सभी को जितनी भी मेडिसिन हो और जितनी भी हो एक अगर एक कमांड पर हम इसका यूज करते हैं तो ये एक ही तरह से कार्य करता है। और सेकंड हम एग्रीकल्चर हमारी भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और जो कि जिसपे 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं जिसके चलते एग्रीकल्चर में ज़्यादातर बेरोजगारी आएगी। और हमारी सोसाइटी पे हमारा इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जो समाज के लोग हो समाज के जो लोग की गोपनीयता है उसको भी हार्मफुल हो सकता है और मानो की सोच पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो सकती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम भक्ति पाटिल है और मैं एआई अभिशाप इस टॉपिक पर बोलना चाहूँगी। ज़रूरी ये बात है, जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि एआई भले ही हमारी चीज़ों को आसान कर रहा है और हेल्थ और डिफेंस सेक्टर में उसका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, पर इसके साथ साथ जो आजकल न्यूज़ में बनी बातें चल रही है जैसे डीप फेक के केसेस चल रहे हैं और एक और इंसिडेंट जो काफ़ी प्रिवेलेंट है जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल्स का इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है जो कि एक सर्वे किया गया था 2023 में एआई इंसिडेंट डेटाबेस पर रिकॉर्डेड है जिसके अंदर में क्या बोलते हैं डिजिटल सेफ्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वो सर्वे कराया गया था जिसके अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल्स का रिपोर्ट्स जो थी वो रिपोर्ट हुई थी उसके अंडर में। तो जो एआई है जिसकी वजह से हमें चीज़ें जो आसान हो रही है और हम बड़ा बड़ा डाटाबेस मैनेज कर पा रहे हैं पर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो हैं उसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। भले ही उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो पर उसके अलावा भी
जब हम कह रहे हैं ना कि इंसान आलसी बैठ जाएगा या उसके पास करने को कुछ नहीं होगा तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, बट स्टिल क्या होता है कि लोग फिर इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना खुराफाती दिमाग लगा करके उसका गलत इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि AI के होने से जो हम जो उसमें क्राइम्स और केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं तो AI का कॉशियसली यूज़ अगर हो तो AI बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। थैंक यू। हाय, क्या आप भी IAS की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप PCS की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली, भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे IAS और PCS जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम IAS और PCS बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज When we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.